जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे हिसाब से आप सभी लोग सही होंगे। और यहाँ पे हमें जब भी एक नया लैपटॉप परचेस करना होता है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में कि कितने साइज का डिस्प्ले लें, 15.6 इंच का डिस्प्ले लें या फिर हम परचेस करें 14 इंच का डिस्प्ले। इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं चलो बड़ा डिस्प्ले ले लेते हैं, इस पर फिल्म देखेंगे, सब कुछ मजा आएगा, तो 15.6 इंच का डिस्प्ले लेते हैं। ऐसा जानते बहुत लोग का थिंकिंग है, तो क्या ये थिंकिंग सही है, सब पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं 15.6 इंच का डिस्प्ले किनको परचेस करना है। देखो डिस्प्ले बाद में, पहले हम बात करें कीबोर्ड पे, क्योंकि काम करें लैपटॉप लेके हम लोग फिल्म बाद में देखना है, पहला जो पर्पज होगा वो आपका काम होगा। देखो यहाँ पे ना मेमोरी किस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो भी ले रहे हैं 15.6 इंच का डिस्प्ले उनके लिए मेमोरी किस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेमोरी किस किनके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे मेन बात जो भी काम कर अकाउंट्स का या फिर काम कर बिजनेस का, तो वहां पे कैलकुलेटर यूज होगा। और वहां पे मेमोरी किस में काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मतलब बहुत जल्दी आपका काम हो, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि अगर काम जल्दी करें तो इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो वो लोग परचेस कर सकते हैं 15.6 इंच का डिस्प्ले। और यहाँ पे जिनको करना है गेमिंग, जिनका मेन मकसद है गेमिंग, तो उनको भी 15.6 इंच का डिस्प्ले ही लेना है। और उसके बाद अगर आपका मेन पर्पस है कि भाई मूवी ही देखना होगा लैपटॉप परचेस करके, तो वहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप IPS पैनल का लैपटॉप लीजिएगा, और जो डिस्प्ले लीजिएगा वो भी होगा 15.6 इंच का डिस्प्ले। तो एक IPS पैनल लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 15.6 इंच के डिस्प्ले पे बहुत सारी मतलब पैनल आती है, जैसे होता है SDA, एंटी ग्लेयर, नॉर्मल एंटी ग्लेयर, वो सब भी आती है, वो सब मत लीजिएगा, IPS लीजिएगा। आप एक बार इस कंपैरिजन वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने कंपेयर किया IPS वर्सेस SDA, तो आप एक बार देखिएगा उसको। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं किनको 14 इंच का लैपटॉप लेना है। मैं बताता हूँ, ये जो 15.6 इंच का जो लैपटॉप है ना, ये मेरा है, पर अभी हम एक नया लैपटॉप परचेस करेंगे और अब हम ये 15.6 इंच का लैपटॉप अब हम परचेस नहीं करेंगे। बहुत यूज कर देख लिए जानते हो, बहुत हैवी लैपटॉप है, बता देता हूँ भाई, एक हाथ से उठाना मतलब भाई टूट जाए भाई, जानते हो ये वीडियो बनाने चक्कर में मेरा लैपटॉप नहीं सही होना चाहिए, तो वही बात करती है ये लैपटॉप 14 इंच की लैपटॉप, ऐसे मैंने पकड़ा, देखो कोई मसल्स में कुछ नहीं, देखो इतना आराम से उठ गया। तो वही बात है कि 14 इंच का जो लैपटॉप होता है वो बहुत हल्का लैपटॉप होता है, लेके कैरी कर सकते हो, बैटरी बैकअप यहाँ अधिक होती है। और यहाँ पे ये लैपटॉप उनको परचेस करना है जिनका काम है कोडिंग, प्रोग्रामिंग या फिर नॉर्मल यूज, मतलब जिनका जानते हो, जिनको मेमोरी किस मतलब नहीं है, वो सभी लोग 14 इंच की लैपटॉप परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिनको लगता है भैया डिस्प्ले बहुत छोटा होगा, ऐसे बहुत लोगों का क्वेश्चन है, तो भैया मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग एप्पल के मैकबुक से वाकिफ हो, वो कितनी इंच की डिस्प्ले देती है, उसमें होती है 13.3 इंच की डिस्प्ले, 14 इंच भी छोटा, सबको पसंद है वो लैपटॉप। तो यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं भाई फिल्म देखने में दिक्कत होगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। और 14 इंच जब यूज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा भैया हमने अच्छा किया कि हमने 15.6 इंच का डिस्प्ले नहीं लिया, क्योंकि लैपटॉप बहुत मतलब हैवी लैपटॉप है, और जानते स्पेस भी अधिक लेता है, ये अधिक स्पेस लेता है, और ये देखो कितना कम स्पेस में हो गया। और लैपटॉप मतलब क्या होता है भैया, जानते हो मैं बताता हूँ कि लैपटॉप बना कैसे, पहला जो लैपटॉप था वो एक सूटकेस के बराबर का था, ठीक है, जितना बड़ा सूटकेस होता है उतना बड़ा था, धीरे 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 वो छोटा होते गया। उसके बाद एक ऐसा लैपटॉप बना जो कि था 15.6 इंच का, ये बहुत हिट हुआ। उसके बाद ये उससे और छोटा होके आ गया ये 14 इंच पे, और अभी के टाइम में आप देखोगे मैक्सिमम कंपनी जो लैपटॉप बनाती है वो ना 14 इंच के ही लैपटॉप बनाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इजी टू कैरी है, हर जगह लेके जा सकते हो। लैपटॉप का मतलब क्या होता है कि भैया कभी अपने पैर पर भी यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हैवी लैपटॉप नहीं, हल्का लैपटॉप है, तो यहाँ पे आप इसे लेके कैरी कर सकते हो, पैर पे रख के यूज कर सकते हो। जो बैटरी बैकअप होगा वो भी यहाँ अधिक होगा, क्योंकि डिस्प्ले छोटा है, तो जो बैटरी बैकअप होगा वो भी अधिक होगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बस मेमोरी किस मतलब नहीं ना है, और मेन पर्पस गेमिंग नहीं है, मेमोरी किस मतलब नहीं है, तो वहां पे आप परचेस कर सकते हो 14 इंच के डिस्प्ले वाले लैपटॉप। तो यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका हर तरीके से मदद कर दिया हूं, और इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट रिप्लाई करता हूँ। या फिर अगर कोई चाहते हो भाई ये टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो वो टॉपिक लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई लैपटॉप परचेस करते हो और अगर उसे ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेस करना ना, उससे होता है कि हमें तो सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाओ। ये वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना से बच के रहो।